प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पड़ने पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र किसी के सनक और मनमानी से नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि लोग केवल वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ऐसे और भी कई उपाय हैं जो संसद में विचाराधीन हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगी और क्रिमिनल कोर्ट ने अपराध का संज्ञान ले लिया है। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस के बदले की राजनीति को गलत बताते हुए कहा कि लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जानी है। उन्होंने कहा कि सरकार और संसद कांग्रेस की मदद नहीं कर सकती, ऐसे में संसद की कार्रवाई को बाधित करके कोई फायदा नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की बार बार बाधित होती कार्रवाई को लेकर कहा कि देश की जनता सब देख रही है और वो इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास कर रही हैं। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा समन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष द्वारा उसे निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सांसदों द्वारा बार बार हंगामा किए जाने की वजह से संसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। मुंबई में 26/11 हमलों के आरोपी डेविड हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपों को स्वीकार किया। डेविड हेडली ने जांच में सहयोग का भरोसा भी दिया। हेडली ने कहा कि माफी दिए जाने पर वो महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी नेता शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर उनके राजनीतिक समझ को लेकर काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनीति की हवा किस तरफ जाएगी ये शरद पवार के साथ बैठकर जाना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर मुख्यमंत्री रहते शरद पवार द्वारा की गई कार्रवाई पर भी उनकी खूब तारीफ की। मुंबई उच्च न्यायालय ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले का स्वागत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात के बारे में कहा कि एक शिष्टाचार भेंट थी, इस बैठक में कोई खास मुद्दा शामिल नहीं था। जीएसटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम जीएसटी का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे राज्यों को फायदा होगा। गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाने में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के एक फैसले ने निभाई अहम भूमिका। एनजीटी ने गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का दिया निर्णय। गंगा के आसपास बने होटल, आश्रम और धर्मशालाएं भी अब अपना गंदा पानी गंगा में नहीं बहा पाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के कानून में हाल में किए गए संशोधनों को उचित ठहराया है। इन संशोधनों के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सहित विभिन्न कसौटियां निर्धारित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस सिलसिले में आज एक याचिका को खारिज कर दिया। इस कानून के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव लड़ने वाले सामान्य उम्मीदवारों के लिए हाई स्कूल पास होना अनिवार्य माना गया है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में 2012 में गैंगरेप मामले के गिरफ्तार सभी तीन अभियुक्तों को सेशन कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया गया है। उनकी सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। मामले के दो मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं। गौरतलब है कि 6 फरवरी 2012 को नाइट क्लब से लौटते समय युवती का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से पेरिस में मुलाकात की। मुलाकात के बाद वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात काफी उपयोगी रही और हमें उम्मीद है इसमें काफी सकारात्मक पहलू सामने आएंगे। भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर देशों के स्वैच्छिक संकल्प सहित उसकी कई चिंताओं को उस नए मसौदे में शामिल नहीं किया गया है जो निर्णायक कदम का शुरुआती बिंदु है। वार्ताकारों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के खतरे से निपटने के लिए एक समझौते पर अथक कार्य किया है। भारत ने यह भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देने के लक्ष्य के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जनों में भारी कटौती करनी होगी। 6 दिन की गिरावट के बाद मुंबई शेयर बाजार में आज तेजी दर्ज की गई। हाल में गिरावट वाले जिंस शेयरों में बिकवाली बढ़ने से सेंसेक्स 216 अंकों से अधिक मजबूत हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक पिछले दिन के मुकाबले 216 अंक मजबूत होकर 25,552 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 71 अंक मजबूत होकर 7,683 अंक पर बंद हुआ।
अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर कोरिया के पास हाइड्रोजन बम हो सकता है। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं। उत्तरी कोरिया के सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन के हवाले से खबर में इस बात के संकेत दिए हैं। अगर इस बयान में कुछ सच्चाई है तो उत्तरी कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के हिसाब से इसे एक महत्वपूर्ण प्रगति कहा जाएगा। दुबई में चल रही BWUF विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में भारत के किदांबी श्रीकांत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ग्रुप बी में अपने दूसरे मैच में श्रीकांत को डेनमार्क के विक्टर एरिक्सन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विक्टर ने श्रीकांत के खिलाफ मुकाबले को 21-13, 21-18 से अपने नाम किया।